वहाँ न्यूट्रिशन प्रोग्राम जारी है, डॉक्टर्स वहाँ भेज दिए गए हैं, ठीक है जी। और ये जो बच्चे हैं ये मतलब कम उम्र की शादी की वजह से और न्यूट्रिशन की वजह से बिल्कुल ये इशू मौजूद है अपनी जगह पे, और हुकूमत सिंध ने इसको सीरियसली लिया हुआ है। और इसमें पानी जो आर ओ प्लांट्स हैं वो हजारों की तादाद में कुछ पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ लगाए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने आके उनके फंड बंद कर दिए। उसके बाद दोबारा अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दोबारा उनको वजीर आला साहब ने फंड रिलीज किए हैं, तकरीबन 70% के करीब वो फंक्शनल हो गए हैं। तो गंदम उनको सप्लाई की जा रही है, मेडिसिन उनको सप्लाई की जा रही है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी और बाकी इदारों बैनुल अक़वामी इदारों से भी मदद की जा रही है ताकि वहाँ मतलब वो लोगों को मतलब न्यूट्रिशन प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा जा रहा है, क्योंकि चाइल्डहुड मैरिज का वहाँ बहुत बड़ा मसला है, छोटी उम्र में बच्चियों। यानी वहाँ पे कहत की सूरत हाल नहीं है? बिल्कुल कहत है ना जी, कहत तो डिक्लेयर किया हुआ है, कैसे नहीं है, कहत तो डिक्लेयर किया हुआ है ना। वो तो अभी कुदरत की तरफ से बारिश नहीं होगी तो मतलब वहाँ कहत सूरत डिक्लेयर करके उनको मतलब जो भी कहत के हवाले से गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के फैसले होते हैं वो कर दिए जाते हैं, हो रहे हैं। और उनके पास वसाइल भी पूरे हैं, वसाइल पूरे करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को बेहतर। लेकिन इम्तियाज साहब यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगा, ये भी मेरी बात नहीं है, आला अदलिया के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने दौरे से वापसी पर यह कहा था कि ये जो इंतज़ाम वहाँ पर मेरे जाने पर हुए वो सब दिखावे के थे, मैं जब वापस आ गया तो वो इंतजाम सब वहाँ से ख़त्म कर दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई? देखें, इस तरह की मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, वज़ीर आला साहब से वज़ीर हैं, आजकल मीडिया मौजूद है, ठीक है, इस तरह नहीं। मिट्टी का अस्पताल अभी भी आप जाएं तो एक बेहतरीन अस्पताल की फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है, बच्चों के मतलब स्पेशलाइज वार्ड वहाँ क्रिएट किए गए और कई सौ डॉक्टर वहाँ भर्ती किए जा रहे हैं और खासतौर पर थरपारकर के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, उनको स्पेशल पैकेजेस और पेज दी जा रही है। गवर्नमेंट अपने सिंध भरपूर तरीके से वहाँ अपनी कोशिश कर रही है, वहाँ के रोड रास्ते चीज़ें देखें आप, एक ब्राउट नेचुरल एक प्रोसेस है, कुदरत की तरफ से एक वहाँ आफत आई है और हमें अफसोस है बच्चों की हलाकत का, बच्चों के मरने का, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि हम उसको तस्लीम नहीं करते, एक चीज़ है उसको टैकल कर रहे हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों की बहुत बेहतरी आई है। आप कभी आएँ तो मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप भी चल के देखें, हम ले जाते हैं दोस्तों को, और जब वहाँ से वो वापस आते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब वो थर प्रोजेक्ट पे गए थे तो उनकी वीडियो भी सुन लें आप। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मसाइल में कमी वाक़ई हो, जो कहत के मारे बच्चे अमवात का शिकार हो रहे हैं, उनकी अमवात में भी कमी वाक़ई हो और हालात बेहतर हो सके थरपारकर में। इम्तियाज़ शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए, और अली आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।